नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी स्वागत करता हूं देवगुरु गेस्टो के इस खास कार्यक्रम में। आज का कार्यक्रम है बहुत खास, राहुल गांधी जी की कुंडली और स्मृति ईरानी जी की कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आज आपको बताएंगे कि कौन जीत रहा है 2019 का लोकसभा चुनाव अमेठी से। सबसे पहले आप लाल रंग के बटन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी करिए, लाइक भी करिए। आपके सामने सबसे पहले लाते हैं राहुल गांधी जी की कुंडली, फिर स्मृति ईरानी जी की है, विश्लेषण करेंगे। राहुल गांधी जी की कुंडली तुला लग्न की है, 7 नंबर की गिनती आप देख रहे होंगे, पहले घर में लिखी हुई है जहां पर गुरु महाराज विराजमान है। लग्न में गुरु होने के कारण ही इनको पैतृक रूप से बहुत सारी चीजें मिल गई, विरासत में मिल गई, नाम मिल गया, प्रसिद्धि मिल गई, धन बल इनको पैतृक रूप से मिल गया। तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है जो कि बहुत अच्छे नहीं है, क्योंकि पराक्रम भाव में चंद्रमा जैसे सॉफ्ट ग्रह का होना बहुत अच्छी बात नहीं है। इसलिए पराक्रम, ऐसा व्यक्ति पराक्रम तो दिखाने का प्रयास करता है लेकिन ऐसे व्यक्ति का पराक्रम उस प्रकार से लोगों के ऊपर छाप नहीं डाल पाता है जैसा कि एक शासक का, एक राजनेता का छाप पड़ना चाहिए। इनके पंचम भाव में राहु महाराज विद्यमान है और इनकी राहु की महादशा भी चल रही है। इनकी कुंडली में देखिए जहां 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है वहां पर शनि महाराज विद्यमान है। जहां पर 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है वह घर है विवाह का, वह घर है साझेदारी का। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि राहुल गांधी जी का विवाह नहीं हो पाया है क्योंकि यहाँ पर शनि महाराज नीच के हैं। शनि का नीच का होना इनके विवाह के लिए और संतान के लिए, पारिवारिक पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं हुआ। संतान और विवाह दोनों के सुख से इनको वंचित रखा हुआ है। एक चीज और आप देख सकते हैं कि इनका मंगल और सूर्य 9वें घर में विराजमान है, जहां पर आप देख रहे हैं 3 नंबर की गिनती लिखी हुई है वो 9वां घर है। भाग्य भाव में सप्तमेश विराजमान है जो कि यहां शनि के शत्रु हैं और तुला लग्न के लोगों के लिए शनि कारक ग्रह होते हैं, इसलिए शत्रु ग्रह का भाग्य में स्थित होना भाग्य को कमजोर करने का एक कारण हो जाता है। यहाँ पर एक चीज और आप विचार करिए, शुक्र दशम भाव में विराजमान है लग्न के स्वामी होकर के, यह इनको अच्छा राजयोग दे रहा है। इस कारण से इनको राजयोग का जो लाभ मिल रहा है पैतृक रूप से वह अभी चलता रहेगा। इनकी कुंडली में 11वें भाव में जहाँ 5 नंबर की गिनती लिखी हुई है वहां पर केतु महाराज विद्यमान है। केतु अच्छे हैं, 11वें घर के केतु अच्छे होते हैं। कुल मिलाकर के इनकी कुंडली में शनि महाराज अच्छे नहीं है जो कि एक योग कारक ग्रह है, चतुर्थ स्थान और पंचम स्थान के स्वामी हैं। शुक्र जो इनका लग्नेश है वह अच्छा है और लग्न में बृहस्पति बैठा हुआ है, ये दो चीजें लग्न अच्छा है इसलिए इनको पैतृक रूप से जो कुछ मिला है विरासत में वह इनके पास है। स्वयं का बनाया हुआ अभी कुछ मिलने का योग नहीं दिख रहा है। अभी इनके जन्म कुंडली में राहु में रहा, राहु की महादशा में राहु की अंतर दशा चल रही है, इसलिए इनको कोर्ट कचहरी के ज्यादा चक्कर करने पड़ रहे हैं। कोर्ट कचहरी का भी इनका चक्कर जारी रहेगा और इसमें कोर्ट कचहरी के चक्कर में चूंकि राहु इनको अच्छा फल नहीं दे पा रहे हैं और ना ही देंगे, इसलिए ये राहु इनको कोर्ट कचहरी के मामलों में थोड़ा इनको अपमानित भी होना पड़ सकता है या ऐसा हो सकता है कि ये कोर्ट कचहरी के फैसले इनके पक्ष में ना आए। और राहु में राहु का अंतर बता रहा है कि आगे भी इनको अभी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे और परिणाम इनके मनोनुकूल नहीं आएंगे और इनको थोड़ा बहुत निराशा, अपमान आदि झेलना पड़ सकता है। अब विश्लेषण कर लेते हैं स्मृति ईरानी जी की कुंडली का, आपके सामने है स्मृति ईरानी की कुंडली जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है। यह कुंडली का पहला घर है, लग्न का स्वामी इनका बुध हुआ जो कि दशम भाव में बैठा हुआ है मीन राशि में 12 नंबर की गिनती पर, अर्थात लग्नेश इनका नीच का हो गया लेकिन नीच भंग भी हो रहा है। तो इस प्रकार से लग्नेश का दशम में होना एक राजयोग करता है और फिर उस लग्नेश का नीच भंग राजयोग होना यानी बुध के द्वारा सीधे एक बार में ही 2 राजयोग इनको प्राप्त हो रहे हैं। दशम भाव में इनके सूर्य भी विद्यमान है। दशम भाव में जब सूर्य विद्यमान हो जाता है तो व्यक्ति
लगातार वृद्धि करता जाता है, उसका डिमोशन कम होता है, प्रमोशन अधिक होता है। तो दशम भाव में सूर्य और बुध की युति बुद्धादित्य योग भी बना रही है। बुध से कई सारे राजयोग बनते जा रहे हैं, जो कि बुध इनका लग्न का स्वामी भी है। अब इनकी कुंडली में गुरु भी स्वागृही है, सप्तम भाव के स्वामी होकर के, जहाँ 9 नंबर की गिनती लिखी हुई है, गुरु महाराज भी वहां पर विराजमान हुए हैं। और जब चुनाव के परिणाम आएंगे उस समय गुरु महाराज की दृष्टि इनके कर्म भाव पर भी पड़ेगी, 12वें नंबर की गिनती पर पड़ेगी। तो यहाँ सूर्य बुध और गुरु तीन ग्रहों का प्रभाव मिलकर के बढ़ जा रहा है। शुक्र लाभ भाव में बहुत अच्छी स्थिति में है, और अभी इनकी जो दशा चल रही है वह बुध में शनि में गुरु की दशा चल रही है। बुध शनि गुरु की अंतर दशा इनके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि बुध इनकी कुंडली में कई प्रकार से राजयोग बना रहा है, इसलिए बुध महादशा में इनको सब कुछ मिलने वाला है, बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिलने वाली है। द्वादश भाव में इनके मंगल और शनि की स्थिति के कारण ऐसा दिख पड़ता है कि पति और पत्नी दोनों एक साथ ना रह सके, दोनों को दूर दूर रहना पड़े, ऐसा कुछ संयोग बनता हुआ दिख रहा है। अष्टम भाव का राहु इनको जीवन में कभी कभी अचानक बीमारियां देगा, और इनके ऊपर कभी कुछ ना कुछ आरोप लगते रहेंगे। और इसके साथ ही साथ यह राहु जो अष्टम भाव में है, यह इनके हर काम में कठिनाई और बाधा लाएगा। लेकिन चूंकि सूर्य और बुध दशम भाव में, ऐसा व्यक्ति हर कठिनाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ेगा और जीत हासिल करेगा। कुल मिलाकर के दोनों कुंडलियों के विश्लेषण में दशा और दशा महादशा और गोचर के प्रभाववश और जन्म कुंडली में बन रहे योगों से यह कह सकते हैं कि अभी स्मृति ईरानी का समय बहुत उत्तम चल रहा है, और इस बात की भविष्यवाणी की जा सकती है कि स्मृति ईरानी लोकसभा 2019 का चुनाव जीत रही हैं, और आप प्रत्याशित तरीके से ये जीतेंगी, और कुछ ऐसी जीत इनकी होगी जो यादगार बन जाएगी, ये कहा जा सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं, चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, अभी तो चुनाव चल रहे हैं, रिजल्ट आएंगे जल्दी ही, आप क्या कहते हैं कमेंट करिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्म का स्थान लिखिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी कुंडली पर मैं कार्यक्रम बनाऊं, और आप अपना फ़ोन नंबर भी अगर डाल देंगे तो मैं आपको फ़ोन करके बता दूंगा कि आपकी ही कुंडली का वीडियो बनाया गया है, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। जय राधे।